हेलो फ्रेंड्स जैसा आप सब जानते हैं कि के की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है और इसमें बहुत सारी पोस्ट्स आई है पीजीटीज जी पीआरटीज और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं और नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटीज का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका सिलेबस क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये डिपार्टमेंटल नहीं है जैसे पहले कुछ टाइम पहले आई थी वो डिपार्टमेंटल थी उसमें सिर्फ केवीएस वाले जो हैं वो आगे के लिए अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं यहाँ कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट चाहे वो के का पार्ट हो या ना हो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का क्या रहेगा किस तरह का पेपर पैटर्न होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो जो है द रिटर्न टेस्ट इज ऑफ वन एटी मार्क्स ये वन एटी मार्क्स का फुल टेस्ट रहेगा और रिटर्न का मतलब एमसीक्यू टाइप रहेगा कैरिंग वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इस एम सी क्यू में हर एक क्वेश्चन के लिए वन मार्क रहेगा द ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट विल भी वन एटी मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली हालांकि कई कई पार्ट्स में ये आपका पेपर बटा हुआ होगा लेकिन टोटल वन एटी मिनट्स वन एटी क्वेश्चन के लिए वन एटी मिनट्स रहेंगे यानी कि पर क्वेश्चन वन मार्क वन मिनट हम मान सकते हैं ऑन एंड एवरेज तीन घंटे का ये पेपर होगा तो अभी पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा कैसे बटेगा ये देखिए सबसे पहले तो इन्होंने दिए हैं सेक्शन नेम और इधर दिए हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन तो आपका जो पहला पार्ट है पार्ट वन ट्वेंटी मार्क्स का है ये आपका प्रोफिशियंसी इन लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है यानी इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से रिलेटेड दस दस क्वेश्चन आएंगे और ये जनरल इंग्लिश होता है वोकेबलरीरी uh, से रिलेटेड बेसिक ग्रामर से रिलेटेड हो गया एंटोनिम हो गए सिनोनिम हो गए और बेसिक जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे टेन क्वेश्चन टोटल होंगे और सेम वे जनरल हिंदी भी इसी पैटर्न पे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे दस और टोटल ये पार्ट आपका रहेगा ट्वेंटी मार्क्स का सेकेंड आपका एक और पार्ट होगा ट्वेंटी मार्क्स का उसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशियंसी इन कंप्यूटर्स तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यहाँ जनरल अवेयरनेस में थोड़ा स्टेटिक भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी इंडिया वाइड वर्ल्ड वाइड जो रहेंगे वो हैं और ये पार्ट आपका मतलब जीके जिसको हम कह सकते हैं टेन मार्क्स का रहेगा टेन क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के फाइव क्वेश्चन आएंगे छोटा सा पोर्शन और कंप्यूटर लिटरेसी के आईसीटी बेस्ड जो होंगे वो भी पांच क्वेश्चन आएंगे ऑल एंड ऑल ये पार्ट आपका ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा जिसमें जी के टेन मार्क्स का करंट और स्टेटिक दोनों रीजनिंग एबिलिटी फाइव मार्क्स की और कंप्यूटर लिटरेसी भी फाइव मार्क्स की ध्यान देखिए के यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इन डेप्थ नहीं होते ये आ, जो है सरफेस लेवल का इनका डिफिकल्टी लेवल रहता है नेक्स्ट आपके पास है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी काइंड हम इसको टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं फोर्टी मार्क्स का रहेगा इसमें फोर्टी क्वेश्चनस होंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर स्टूडेंट सेंट्रिक जो रहेगा वो फिफ्टीन क्वेश्चनस रहेंगे और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो फिफ्टीन होंगे और बचे हुए जो दस क्वेश्चन होंगे वो तीन पार्ट्स में बटे हैं लाइक क्रिएटिव कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एन्वायरमेंट क्लासरूम में आप कैसे क्रिएट करेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और, और, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी एक टीचिंग एप्टीट्यूड जो बहुत अलग अलग डाइवर्स फील्ड में पांच पार्ट्स में बटा हुआ ये पार्ट है आ, सब पाँच सब पार्ट्स में बैठा है टोटल फोर्टी क्वेश्चन जिसमें से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इकलौता फिफ्टीन क्वेश्चन ले लेगा और टीचिंग लर्निंग फिफ्टीन क्वेश्चन ले लेगी अब इसके बाद यानी कि फोर्टी मार्क्स ये हो गए ट्वेंटी जो है जी के रीजनिंग एंड आई सी टी हो यानी सिक्सटी और ट्वेंटी जो है लैंग्वेज हो गई कि एट्टी मार्क्स ऊपर के तो हमारे ये निकल गए हैं और हंड्रेड मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसका पर्टिकुलर सिलेबस के वी ने दे रखा है एनेक्शन में इसके साथ लगा रखा है उसके भी आपके हंड्रेड मार्क्स रहेंगे तो टोटल वन एटी मार्क्स का हो गया एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है जो आपको मैं बता दूँ कि कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ये आप ध्यान दीजिए और फिर है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या होता है काइंड ऑफ इंटरव्यू आप कह सकते हो इसको और इस इंटरव्यू में जो है डेमो टीचिंग होगी थर्टी मार्क्स की तो डेमो टीचिंग है बोर्ड टीचिंग आपसे क्लासरूम टीचिंग करवा के देखेंगे और थर्टी मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा इसके बाद देखिए साठ नंबर का ये पार्ट है वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड प्रोफेशनसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो है उनको वेटेज कितना दिया जा रहा है जो वन एट्टी मार्क्स है उसको दे दिए जाएंगे सेवेंटी मार्क्स वन एटी मार्क्स को सेवनटी मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है उनके सिक्सटी मार्क्स को थर्टी मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसी एवरेज से आपका जो स्कोर है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और फाइनल मेरिट जो है वो सबको एक साथ लेके टोटल जो आपने वन एटी मार्क्स लिए हैं वो और यहाँ सिक्सटी में से जितने मार्क्स लिए हैं उनको लेकर उनको अपना इक्वल वेटेज देकर जितना कि मैंशन है रिटर्न टेस्ट के वन एटी मार्क्स को सेवनटी में कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरव्यू और डेमो के सिक्सटी मार्क्स को थर्टी में इनको कन्वर्ट करके और इनका टोटल निकाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और अब अगर आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं कि आप सेलेक्टेड होंगे या रिजेक्टेड रहेंगे कई बार वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं कुछ टाइम बाद तो ये आपकी पोजीशन ओवरऑल बताएगी आपकी परफॉर्मेंस तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये जानने के लिए कि आपको प्लान क्या करना है तैयारी क्या करनी है क्योंकि कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर करते हैं तो विदाउट प्रॉपर सिलेबस नॉलेज के आप उसको तैयार नहीं कर सकते और इसके बाद हम इंग्लिश का सिलेबस जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको uh, बताऊँगी और उसके अलावा जो एटी मार्क्स है वो सब के लिए सिमिलर रहेंगे सभी सब सब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर रहेंगे तो आई होप माई वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इन योर प्रिपरेशन All the best students, thank you.